बड़कागांव 23 मार्च दिन बुधवार की रात मोतरा गांव में अवैध कोयला ढुलाई का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मारपीट की सूचना पाकर बड़कागांव पुलिस मोतरा गांव पहुंचकर मामले को शांत कराया। समय पर यदि पुलिस नहीं पहुंचती तो किसी बड़ी अप्रिय घटना भी घट सकती थी। दोनों गुटों के बीच मारपीट का कारण अवैध कोयला खदान से ढुलाई से जुड़ा है। एक गुट को अवैध कोयला खदान से कोयला नहीं मिलने पर दूसरे गुट के अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर का मोबाइल से मोतरा गांव में रिकॉर्डिंग की जा रही थी। यह सूचना दूसरे गुट अवैध कोयला कारोबारियों को मिलने के बाद मोतरा गांव चबूतरा के पास पुल पर दोनों गुट आमने सामने हो गए। तूतूमामे के बाद मारपीट शुरू हो गई। एक गुट का कहना था कि मैं कोयला ढुलाई का एंट्री लिया हूं, जब तक अवैध कोयला खदान से मेरा ट्रैक्टर में कोयला नहीं भरा जाएगा तब तक किसी का ट्रैक्टर में कोयला नहीं भरा जाएगा, अन्यथा मोतरा घाटी से अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर किसी का भी पास नहीं होने देंगे। हालांकि मारपीट के दौरान एक गुट वहां से फरार हो गया एवं दूसरा ग्रुप अपने गांव के मोड़ के पास आकर अपने सहयोगियों के साथ सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना बड़कागांव पुलिस को मिलने पर थाना प्रभारी गौतम कुमार, एसआई अजीत कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। इस मारपीट के बाद दोनों गांव के अवैध कोयला कारोबारियों के बीच आक्रोश बरकरार है। सूत्र बताते हैं कि कभी भी दोनों गुट फिर से आमने सामने होने की फिराक में है। बता दें कि होली के बाद मोतरा घाटी से दोपहर के बाद से रात भर सैकड़ों के माध्यम से अवैध कोयला की ढुलाई शुरू हो जाती है। यह कोयला रजहर के जंगलों में जाकर डंप किया जाता है और वहां से बड़े वाहनों के माध्यम से विभिन्न कोयला मंडियों तथा अन्य राज्यों में खपाने का काम भी किया जाता है। यह मामला अंबाजीत एवं बादम गांव के अवैध कोयला कारोबारियों से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में थाना प्रभारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।